सो यो व्हाट्सअप गाइज, यार कैसे हो आप लोग मेरे भाई। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड लिप्स के बारे में। तो मेरे भाई बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई रेड लिप्स के ऊपर वीडियो बना दो, हमारे लिप्स डार्क हो चुके हैं, हम कैसे अपने लिप्स को रेड कर सकते हो, इस पर वीडियो बना दो आप भाई, बहुत अच्छा समझाते हो। तो मेरे भाई सभी भाइयों के कॉमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, भाई कई भाइयों के इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आते हैं, तो भाई सभी भाइयों को मैं इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करता हूँ। आप सब लोगों को पता होगा जो मेरे साथ जुड़ रखे हैं इंस्टाग्राम पर, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो यहाँ पर नाम आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पर जाके आप फॉलो कर लेना। और भाई इंस्टाग्राम पे आप मेरे से बात कर सकते हो, तो मैं आपके भाई भाई आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है। जिन भाइयों के भाई कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को मैसेज करता है, तो भाई मैं मैसेज में आंसर दे देता हूँ, या फिर कमेंट्स करता है तो कमेंट्स में मैं आंसर दे देता हूँ। तो भाई आप जाके देख सकते हो, कमेंट्स चेक कर लेना, जो भी भाई कमेंट्स करता है सबके आंसर मैं देता हूँ। तो भाई यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले आप कैसे अपने डार्क लिप्स को रेड कर सकते हो, आप कैसे अपने लिप्स के डार्कनेस को भाई रिमूव कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको पांच टॉपिक बताने वाला हूँ, ये पांच चीज आप यूज करना भाई, आपके पांच में से दो चीजें भी अगर आप यूज करते हो तो भाई आपके लिप्स भाई रेड हो जाएंगे। और भाई मैं ये आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि भाई आपके एप्पल की जैसे बिल्कुल रेड हो जाएंगे, बट मेरे भाई आपको मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि भाई आपके जैसे बचपन में लिप्स थे ना, पिंक लिप्स जैसे थे ना भाई, वैसे हो जाएंगे बिल्कुल भाई अच्छे, आपके लिप्स निकल जाएंगे, आपके जो लिप्स की डार्कनेस है वो दूर हो जाएगी। तो मैं भाई इतना मैं आपको जरूर बोलूंगा, बट भाई आपको ये कभी भी नहीं बोलूंगा कि भाई आपके लिप्स बिल्कुल एप्पल की तरह रेड हो जाएंगे। तो मेरे भाई आज की वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि मेरे भाई टाइम आपका भी जरूरी है और मेरा भी बहुत जरूरी है, तो भाई वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो गाइस यार माय नेम इज अमित, यू वाचिंग स्मार्ट बॉय हैक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे भाई इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, हेयर से रिलेटेड और भाई लाइफ स्टाइल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, क्योंकि आपको स्मार्ट बनाना मेरी जिम्मेदारी है। तो गाइस यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर लेना, चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस यार नंबर वन पे आता है स्क्रबिंग। जी हाँ मेरे भाई, स्क्रबिंग आपको अपने लिप्स पे करनी है, वीक में दो से तीन बार आपको स्क्रबिंग करनी है। और स्क्रबिंग किससे करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे भाई दो चीज़ें आपको यूज करनी है, एक चीनी, चीनी आपके सबके घर में अवेलेबल मिल जाएगी, किचन में जाना चीनी चुराना मतलब चुराना नहीं भाई, थोड़ी सी चीनी ले लेना, मम्मी से मांग लेना या फिर आप खुद भी ले सकते हो। तो मेरे भाई थोड़ी सी चीनी आपको लेनी है। और नंबर टू पे आता है मेरे भाई कोकोनट ऑयल। जी हाँ मेरे भाई, इन दो चीज़ों को आपको मिक्स करना है और भाई आपने लिप्स पे स्क्रबिंग करनी है इनसे, क्योंकि मेरे भाई स्क्रबिंग का काम करती है आपकी चीनी और भाई आपका जो कोकोनट ऑयल होता है ये भाई आपके लिप्स की जो डार्कनेस है इसको रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो गाइस यार ये रेमेडी आपको वीक में दो से तीन बार यूज करनी है, अगर भाई आप ये कर सकते हो तो, वरना चलते हैं नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। तो गाइस यार नंबर टू क्या आता है, कॉफ़ी और शहद। जी हाँ मेरे भाई, कॉफ़ी आपको लेनी है, आपको 10 रुपये का पाउच किसी भी जनरल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप परचूनी का सामान खरीदते हो, आपकी चीनी चाय जो भी खरीदते हो वहाँ पे आपको कॉफ़ी पाउडर मिल जाएगा। और दूसरा आता है शहद। जी हाँ मेरे भाई, इन दो चीज़ों को आपको अपने लिप्स पे लगाना है और 5 से 10 मिनट तक मसाज करना है, फिर भाई ठंडे पानी से उसको रिमूव कर देना है और फिर आप देखोगे भाई आपकी जो लिप्स की डार्कनेस है ये कुछ ही दिनों में आपकी रिमूव हो जाए और मेरे भाई आपको डार्क लिप्स की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर थ्री पे आता है मेरे भाई लिप बाम। जी हाँ मेरे भाई, अब आपको करना क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना, आपको सोने से पहले और नहाने के बाद आपको अपने होठों पे भाई लिप बाम या लिप ग्लॉस जो भी अगर आपके पास अवेलेबल हो वो लगाना है। और भाई नहाने के बाद यार लिप बाम तो लगाओ और उसके बाद भाई आपको पॉन्स आती है, 5 रुपये की डब्बी आती है, ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं बता रहा हूँ, 5 रुपये की डब्बी आती है, आपको मिल जाएगी किसी भी जनरल स्टोर से आप ले लेना या फिर मेडिकल शॉप पर भी आपको मिल जाएगी, वो आपको लगाना है भाई, आपके लिप्स के लिए बहुत अच्छी होती है भाई, मैं खुद यूज करता हूँ और भाई आप अपने फेस वगैरह पे भी लगा सकते हो, बट भाई आप यार जो भी करना चाहो कर लेना, अभी लिप्स की वीडियो है तो भाई लिप्स के बारे में बात करते हैं, तो भाई उसको आप अपने लिप्स पे लगा सकते हो। तो गाइस यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस भाई ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एंड मेरे भाई आपको यार मेरी लाइफ स्टाइल जाननी है तो भाई व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। इस व्लॉगिंग चैनल पे मैं अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड भाई व्लॉग बनाता रहूँगा, डेली व्लॉगिंग में करने वाला हूँ, अगर भाई आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो डेली व्लॉगिंग करने वाला हूँ मैं। डेली रूटीन में क्या करता हूँ भाई, क्या अपने हेयर्स को करता हूँ, क्या अपनी स्किन पे करता हूँ, जो भी मैं करता हूँ भाई वो आपको व्लॉग मिल जाएगा। एंड मेरे भाई जो भी भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई स्टोरी पे भाई कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता, तो मैंने सोचा भाई वीडियो में ही प्रमोशन कर लेता हूँ अपने चैनल का। तो मेरे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लो ना और भाई वीडियो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। नंबर चार पे आता है मेरे भाई सरसों का तेल। जी हाँ मेरे भाई, अब यार आप गलत चीज़ों में सरसों का तेल आप यूज करते हो, बट भाई कभी कभी यार सही तरीकों में भी यूज कर लिया, समझ रहे हो ना? हाँ।
करो। तो मेरे भाई आपको यार मैं बता देता हूँ कि भाई आपके भाई जो भी अगर आप दादी दादा से पूछोगे तो भाई आपको ये चीज़ आपको बता देंगे, अगर आपके लिप्स फटते हैं या फिर डार्क हो गया है तो भाई आपको सुबह सुबह यार ये चीज़ें जो है भाई पुराने ज़माने से चलती आ रही है, तो भाई ये इतनी जल्दी असर नहीं देगी, बट भाई कुछ टाइम करोगे तो भाई आपको ज़रूर से भाई फ़ायदा मिलेगा। तो भाई आपको करना क्या है, सुबह सुबह उठते ही भाई आपको नाभि में आपको सरसों का तेल डालना है, थोड़ा सा आपको लगाना है और भाई फिर नहाते टाइम तो रिमूव हो ही जाएगा, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लगा लिया करो यार, भाई बहुत पहले से चलती आ रही है। अगर आप अपनी दादी दादा मम्मी पापा से पूछोगे तो वो भी आपको बता देंगे। अगर मेरे भाई आपके लिप्स फटते हैं तो भाई ये आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लिख के ले लो मेरे भाई, आपको ये चीज़ ज़रूर करके देखनी है। नंबर 5 पे आता है मेरे भाई ब्रश। जी हाँ मेरे भाई, अब यार आपको करना क्या है भाई, आप जब भी सुबह सुबह आप ब्रश करते हो, अब मेरे भाई कई बंदे होते हैं कि भाई ब्रश ही नहीं करते, क्या बोला तूने, तो भाई वो बोलेंगे कि भाई हम तो ब्रश ही नहीं करते, तो भाई हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। तो मेरे भाई आपको ब्रश करना चाहिए यार, आपको आपके दांतों का सवाल है भाई, अगर आपकी जीएफ आ रही है सामने और भाई आपके भाई पीले पीले दांत दिख रहे तो भाई वो देखते ही भाग जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात, तो भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ब्रश करना चाहिए। तो भाई ये तो हो गई स्कूल की अच्छी बातें, जो भाई अपनों को अपने को टीचर वगैरह बताते रहते हैं कि भाई बच्चों ब्रश करना चाहिए, बट भाई अपन आते हैं अपनी बात पे। तो मेरे भाई जब भी आप ब्रश करते हो सुबह तो भाई आपको करना क्या है भाई, आपको अलग से नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे भाई मेरे को पता है आप कितने आलसी हो, आप अलग से कभी भी नहीं कर सकते ये चीज़। तो भाई आपको ब्रश करते टाइम ही आपको अपने हल्के हाथों से भाई आपको अपने लिप्स को भाई थोड़ा सा रगड़ना है, ब्रश से ही रगड़ लेना मेरे भाई, और किसी से नहीं रगड़ना है, क्योंकि गलत चीज़ से रगड़ोगे तो भाई आपको गलत इफेक्ट मिल जाएगा। क्या बोला तूने, मतलब कि भाई समझ जाओ। तो मेरे भाई आपको ब्रश करते टाइम आपको अपने लिप्स पे ब्रश करनी है, थोड़ी सी हल्के हाथों से करनी है, ऐसे नहीं है कि भाई आप जोर जोर से घस से मार रहे हो और भाई आपके होंठ कट जा रहे हैं, तो फिर मेरे भाई ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज़ भाई बहुत ही नाजुक तरीके से होनी चाहिए। तो मेरे भाई आपको पता है कि भाई अपने लिप्स कितने नाजुक होते हैं और किस चीज़ में आपको ये काम आते हैं, तो भाई आप समझ जाना भाई, जो भी आपको करना है वो करना, बट भाई आपको घस से नहीं मारना है, जोर जोर से घस से नहीं मारना, आपको धीरे धीरे से साफ करना है अपने लिप्स को। तो मेरे भाई ये चीज़ आपको नहाने से पहले ज़रूर करनी है जब भी आप ब्रश करो। तो गाइस यार आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मेरे भाई कैसी लगी आज की वीडियो आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि भाई आपका भाई यार ऐसी चीज़ें आपको बताता रहता है, और भाई जो भी भाई मैसेज वगैरह करते हैं तो भाई मैं सबके मैसेज का आंसर देता हूं, भाई कोई का वो बंदा छूट जाता है तो भाई ऐसा मत सोचा करो कि भाई मैं छोड़ दिया हूं आपको, आपके मैसेज अच्छे नहीं है या फिर भाई जो भी है, मैं आपको यार कभी भी ऐसा मैसेज का रिप्लाई देता ही रहता हूं। अगर मेरे भाई बहुत सारे मैसेज आते हैं, अगर किसी किसी का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरे भाई कमेंट्स का सब मैं आंसर जरूर, तो भाई इस वीडियो में जरूर से कमेंट्स करना, और ये वीडियो उस भाई को जरूर शेयर करना जिसके लिप्स डार्क है और भाई उसकी जीएफ छोड़ के भाग गई है, ये चीज आपको उस बंदे को जरूर से शेयर करनी है। एंड मेरे भाई यार बहुत सारे बंदों को मैं बोलता हूँ कि भाई स्टोरी में भी लगाता रहता हूँ कि भाई अपने व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे भाई जिस भाई ने व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है यार, यहाँ पे अमित केटीपी के नाम से यार व्लॉगिंग चैनल आ रहा होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और भाई बाद में नाम चेंज कर देंगे, बट अभी तो आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैं लिंक तो भाई यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहाँ पे आपको सेकेंडरी चैनल के नाम से लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे आपको, 1000 सब्सक्राइबर होते ब्लॉग डालने लग जाएंगे। तो गाइस यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लेट्स गो गाइस।